सकता था, कोई इश्यू नहीं है. सो रियली थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ आज इस उसमें बैठा हूँ. और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, AJK की बात करते हैं, तो वो हमारा प्रायोरिटीएबल सेक्टर है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने दुनिया के मुख्तलिफ इलाके से, मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों को इकट्ठा किया. और जो यहाँ पर बात हुई है उसके कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा, एक तो जैसा कि हम बहुत अब नज़दीक हैं, डिजिटल पाकिस्तान जो है आपका, ये डिजिटल AJK बन चुका है, इसके ऊपर सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमें खुद मिलकर कुछ करना है. इट्स हाई टाइम. और आपने खुद कह दिया बीइंग अ सीनियर ऑफिसर कि PC1 से बाहर आया जाए. हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार के वसाइल क्या हैं, हमारे पास क्या है. अनीस अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ा अच्छे मुदलदल तरीके से इन्होंने सब चीज़ों को डिफाइन किया. और उसमें यही चीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि जब हम इन्होंने जैसे कहा कि अगर आज लोगों को रोजगार देने की बात है तो पहले वक्तों में डॉलर कमाने के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था, तो आज तो डॉलर और पाउंड खुद घरों में आ गए हैं. इट डिपेंड्स कि कौन कितना काम करता है. और उसके लिए हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो शायद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं. हमने सबसे पहले इन चीज़ों को एग्रीगेट करना है, एजिटेट करना है, उनको कन्विंस करना है अपने बच्चों को कि भाई आप ये काम करें और इसी में फायदा है. जैसा कि आजकल ज्यादातर लॉकडाउन में जो देखा जा रहा है, PUBG खेलते हैं, वो अपना डिजिटल लूडो खेलते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं. तो जिंदगी की सबसे कीमती चीज जो है वो यही है कि आप अपने टाइम को बचाएं और जितना ज्यादा टाइम बचाकर और चीजों को बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म करके सबके सामने ला सकते हैं उस तरह लेकर आए. तो मेरी भी ख्वाहिश यही है, हम एज अ फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह जहां पर भी बात होगी वहां पर आपके साथ खड़े हैं. और मैं एक बार फिर अपनी टीम को, ये जो हमारे सारे डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, डिजिटल पाकिस्तान के लोग हैं, इनको मुबारकबाद दूंगा. और आखिर में कि नेक्स्ट जो अभी बात हुई वे फॉरवर्ड की, हमें उस वे फॉरवर्ड पे ही चलना है. अब ऑलरेडी जिस तरह आप हमारे साथ बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि बहुत बातें हो गई हैं, अब लेट्स टॉक कंस्ट्रक्टिव. और उसके लिए जिस तरह आज हमारे पास करने वाले भी मौजूद हैं, जिस जगह पर होना है वहां पर भी वो लोग इंटरेस्टेड हैं. पर सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ, शायद हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो कुछ टाइम लगे चीजें सोचने में, कैबिनेट में लेके जाने के लिए. AJK गवर्नमेंट और इस वक्त की जो AJK गवर्नमेंट की ये लोग भी उनके बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका तो मिशन ही बहुत फास्ट है. और बहुत जल्दी प्रेसिडेंट साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उनके तमाम, मेरी भी मुलाकात रहती है उनसे अक्सर और बेशतर, कि वो इस वक्त इस उसमें है कि जो कुछ किया जा सकता है जल्द अज जल्द कर लिया जाए. सो विश यू ऑल गुड लक जी, अमार भाई खास तौर पर आपको, एंड आई अश्योर यू माई फुल कोऑपरेशन. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. ना प्लीज गो अहेड. थैंक यू सो मच सर. और नेक्स्ट पैनलिस्ट इज मिस्टर सुहेब